रमेश दलाल को छत्तीस बिरादरी ने खड़ा किया है, पंचायती उम्मीदवार है और बहादुर में एक तरफा चल रहा है। मेरा किसी से कोई मुकाबले की बात नहीं, मैं लड़ रहा हूँ भ्रष्टाचार से, परिवारवाद से, कुशासन से, और रमेश दलाल लड़ रहा है कि सलम बना दिया बहादुर को। बार बार जो विधायक बन रहे हैं, इसलिए अब की बार 36 बिरादरी का नारा है, एक अकेला सब पे भारी, रमेश दलाल अब की बारी। ये मेरा घर है सैनी मोहल्ले में खड़ा हूँ, नया गांव, ये मेरा परिवार खड़ा है, चाचा हमारे सरपंच सैनी समाज के, सैनी समाज से, ये राजकुमार से जो रेपर आपका समर्थन सारे मेरे, क्यों भाई, क्योंकि मेरा कुनबा है, कुनबा पहले पार्टी बाद में, सबका साथ ला उम्मीदवार हूँ। नए गांव में सैनी जो अभी अलग पंचायती बन गई, जब मैं 2000 में चुनाव लड़ा तो यहां से जीत कर गया था, और उस समय हमारी आदरणीय बहन जी कैलाश सैनी बड़ी लीडर थी, वह भी आड़ा आ गई जब भी बोले अपने भाई की बेटी की देंगे। आज आपको बता रहा हूं, अरे पीछे कोई आ जाओ, यो मेरा घर है, रमेश दलाल नए गांव सैनियान से जीत कर निकलेगा, ये सबको भरोसा देता है ना चाचा, ये सरपंच साहब रहे। न डलवाने का प्रण लिया है, किस तरह का क्या विचार है इसमें? वो इसलिए जब मुझे खापो ने सर्व जाति ने खड़ा किया तो चुनाव तो मैं तो चेहरा हूं, चुनाव तो खाप लड़ रही है, 36 बिरादरी लड़ रही है, तो रमेश दलाल ने फैसला किया कि अब की बार हम माड़ा जनता को डाल के उसको जिम्मेवारी देंगे कि आप लड़ रहे हो। रमेश दलाल चुनाव जीतने के बाद 36 बिरादरी के हर एक बुजुर्ग को पहले माला पहनाएगा, पूरे बहादुर को इकट्ठा करके, उसके बाद वो खुद की माला पहनेगा जीतने के बाद, उससे पहले वो माला नहीं पहनेगा। कांग्रेस के विधायक है, उनका कई गांव में विरोध हो रहा है, तो क्या कहेंगे किस प्रकार से? भाई विधायक जो है उसकी आस्था सिर्फ जो है किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति, जनता के प्रति नहीं, तो विरोध होगा ही, विकास करता नहीं, कभी कभी एक आध बार आवे तो उसके बारे में ज्यादा क्या बोलूं। अब की बार ने तो भाजपा का चुनाव चल रहा है और ने कांग्रेस का, अब की बार सीधा मामला है कि रमेश दलाल को ये लोग बनाएंगे। ये ड्रामा चला आपके बहादुरगढ़ के अंदर, एक भाई रो रहा है फिर आके दूसरे दिन गले मिल रहा है, इसको क्या कहेंगे? देखो भाई, परिवारवाद को बढ़ाना नहीं चाहिए था, नरेश कौशिक की मेरे भाई की टिकट काटनी थी और ब्राह्मण को देनी थी तो हल्के में किसी और को दे, अरे घर घर में जूत बजवा दिया। और वो मैं बता दूं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बजवाया, वो दो ने बजवाया, एक तो मनोहर लाल ने और दूसरे का तुमने भी रहा है, मारा हड़े का है, मेरे दोनों सारी क्यों को आओ, घर के घर में जूत बजवाना ये ठीक नहीं है। और हमारा परिवार हमेशा एक रहा है, हम ये सैनी भाई इस गांव के हमारे आसोदे से आए हुए, इन्होंने कभी रमेश दलाल को निराश नहीं किया, ने खाप को किया और न हमने किया, हमारे भाईचारे की मिसाल थी है और रहेगी। आप झूठ बांटने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों भाई एक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं, क्या ये इस तरह की ये ड्रामा था या कोई और साजिश? वो बिल्कुल ड्रामा है, जब जिसको टिकट मिला वो एक साल तो रुक के मारा था, नरेश कौशिक ने टिकट नहीं मिलने दूंगा, मैं इसकी खिलाफत करूंगा, और फिर जिस दिन टिकट मिला तो उसका जिस भाई का टिकट कटा नरेश कौशिक, वो आंखों में पानी आना स्वाभाविक था, वो कह रहा है कि मेरी राजनीति खत्म कर दी, मेरा परिवार खत्म कर दिया। अरे फिर पार्टी के दबाव में, सारे रमेश दलाल तो है नहीं, मैं पार्टी को नहीं समझता, मेरा भगवान तो बहादुर की जनता है, तो पार्टी के दबाव में वैसे जा रहा है, अगर इसने तो हारना अब वो फिर चुनाव लड़ लेगा ताकि वो हारे और उसकी राजनीति बच जा, तो इसलिए सबको पता है कि भाई किस ढंग से चल रहा है। रही कांग्रेस में, बिल्कुल पूरी तरह से पिछड़ चुका है। तो आपका जो विधायक बनने के बाद आपका क्या एजेंडा रहेगा? ग्रेटर बहादुरगढ़, हमारे इधर कोई विकास नहीं हुआ, पूरे मास्टर प्लान को बदलवाना, एक आउटर रिंग रोड बहादुर का बनवाना, लाइन पार के हमारे गांव में विकास नहीं हो रहा, चिलर चकारे के मारे भाई, ये इधर के मारे भाई, आप इस रेडी तक चले जाओ उड़े कुछ नहीं, एक ये रोड पर थोड़ा करके और आप माजरे के उसमें जाके देखो बिल्डिंग, तो पूरे बहादुर का 36 बिरादरी का विकास करेंगे। 1000 सरकारी नौकरी की तो रमेश दलाल गारंटी दे रहा है, 5000 का प्रयास होगा, और प्रयास का मतलब सफलता, रमेश का प्रयास जब कहता है वो कामयाब होता है, और 10000 निजी कंपनियों में
मैं बच्चों को नौकरी दिलवाऊंगा फैक्ट्रियों में, और 40,000 का मेरा लक्ष्य है, 10,000 की गारंटी है। तो 36 बिरादरी का काम करेंगे, भाईचारा बना के रखेंगे, और जो भाई चुनाव हारे भी गए उनके लिए भी मेरा दरवाजा खुला रहेगा। राजेंद्र जून भी मेरा भाई, राजेश जून भी मेरा भाई, नरेश कौशिक भी, दिनेश भी, नफे के बच्चे भी, रमेश दलाल तो साजला है, सबके लिए दरवाजा खुलेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब की बार एक अवसर रमेश दलाल की तपस्या को, रमेश दलाल के काम को मिलना चाहिए।